मेरी स्कूल का नाम बेंड्रा अर्ध प्राइमरी स्कूल है और मैं आज आपको एक कहानी पेश करने वाली हूँ जिसका अनुमान है तीन कछुए। आइए बच्चों, हम आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। एक मरतबा तीन कछुए पानी में रहते थे। पानी में रहते रहते कछुए उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करनी चाहिए जहाँ हर वक्त सुकून और सन्नाटा रहता है। ये सोचकर तीनों कछुए पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान ले लिया। उनका सफ़र बहुत लंबा था। कछुए उनके बड़े पक्के थे। वो रास्ते की हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। बिल आखिर उनको पहाड़ दिखाई दिए जिनकी चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 200 दिन गुजर गए थे। इतने दिन के बाद जब उन्हें मंजिल दिखाई दी तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक बहुत अच्छी जगह पसंद की और सोचा कि कुछ दिन इतनी अच्छी जगह का कुछ मज़ा लौटे। हवा भी हल्के हल्के चल रही थी। बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह अपनी मोटी खाल में छुपा लेते और उनको पता भी नहीं चलता कि हवा में कितनी ठंडक है। उनको बहुत जोर से भूख लगी। उन्होंने सोचा कि अब खाना खाना चाहिए। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए और फिर बड़े सलीके से उन पत्तों पर अपना खाना निकाला। लेकिन जब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनको ख्याल आया कि यहाँ पर तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तीनों कछुए सोच में पड़ गए। आखिर में बड़ा कछुआ बोला, मेरी तो ये राय है कि पानी लेने छोटे कछुए को जाना चाहिए। क्यों ना कि वो उस वक्त भी खासा जिस वह चालाक मालूम होता है। मैं तो उस वक्त बहुत थक गया हूँ। छोटे कछुए ने बहुत आना कानी की मगर वो दोनों उसके पीछे पड़ गए। मजबूरन छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन वो बोला, मैं चला तो जाऊंगा, मगर मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर ही सारा खाना चट कर जाओगे। बाद में मुझे खाना मिलेगा भी तो वो झूठा होगा। दोनों कछुओं ने कहा कि हम तुम्हारा इंतज़ार करते रहेंगे। छोटा कछुआ संजीवी से बोला, जी हाँ ज़रूर करोगे। मुझे यकीन है कि तुम हर दिन मेरा इंतज़ार नहीं करोगे। आखिरकार छोटा कछुआ चला गया। अब बाकी दोनों कछुए बैठे इंतज़ार करते रहे। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 4 घंटे गुजरे, फिर 8 घंटे, यहाँ तक के पूरा दिन गुजर गया। छोटे कछुए को ना आना था ना आया। अब तो दोनों कछुओं का भूख के मारे बुरा हाल हो गया। उन्होंने सोचा कि अब ज़्यादा इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं। आखिर भूख से बेकाबू होकर खाने को हाथ बढ़ाया ही था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से कूदता हुआ आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज़ मेरा इंतज़ार नहीं करोगे, इसीलिए तो मैं गया ही नहीं, यही चट्टान के पीछे बैठा हुआ देख रहा था। दोनों कछुए भौंचक्के रह गए। आखिर कहते तो क्या कहते। वेरी गुड।